हेलो फ्रेंड्स, ये पीसीएस का सेकंड पेपर सीसैट का पेपर है। मेरी सीरीज़ ए है। मैंने जीएस के फर्स्ट पेपर को फर्स्ट मीटिंग के एग्जामिनेशन के बाद, फर्स्ट पेपर के बाद अपलोड कर दिया था। फ्रेंड्स से आप देख सकते हैं, मैं इसमें लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे। और फ्रेंड्स, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, अभी पेपर के स्तर के बारे में बात नहीं करता हूँ, कट ऑफ के बारे में बात नहीं करता हूँ। सीधे बस आप आंसर देखते चले जाइए कि किसका कौन सा आंसर है, और अपने आंसर को मैच कर लीजिए। उसके बाद फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा पेपर के स्तर पर और क्या परिवर्तन आए हैं। फ्रेंड्स, अगर हम प्रश्न नंबर एक की बात करें, ये ए सीरीज का जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, चरण कमल में समास है, तत्पुरुष नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, ने प्लस अन, ए आंसर सही होगा इसका। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या अगर चार बात करें तो ये गद्यांश से रिलेटेड है, और अगर हम गद्यांश में बात करें तो सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, युद्ध वीरता, इसका आंसर सी होगा चौथे प्रश्न का। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी होगा, साहस प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। प्रश्न नंबर छः, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है, उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है, इसका आंसर ए सही होगा। फ्रेंड्स, साहित्य के मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं, तो इसका उत्तर ए सही होगा, सातवें का, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एट, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। फ्रेंड्स, कष्ट या हानि के आधार पर उत्साह के भेद किए गए हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फ्रेंड्स चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज होगा, ये दोनों के लिए द्विज के रूप में, दोनों एक दूसरे द्विज की जो है का पर्यायवाची है। फ्रेंड्स, निम्नलिखित किस वाक में आक्रमक क्रिया है, श्याम हंसता है, 11 का सी आंसर सही होगा, श्याम हंसता है। और नेक्स्ट फ्रेंड, निम्नलिखित में तद्भव शब्द डी सही होगा, 14 जो है ये तद्भव शब्द है। पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ है, निर्लज होकर कुछ पाना, इसका सी आंसर सही होगा, 13 का। और फ्रेंड्स, 14 व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं, पीयूष जो है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और फ्रेंड्स, 15वें क्वेश्चन का आंसर जो है सी सही होगा, असूर्य पशिया, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पशिया। फ्रेंड्स, 16 अग का अर्थ क्या है, जो कुछ भी ना जानता हो, इसका आंसर 16 का ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। फ्रेंड्स, संभवतः मेरे अकॉर्डिंग मोहन को बाजार क्यों जाना था ये होना चाहिए, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। और नेक्स्ट 18 की अगर हम बात करें, तो अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है, इसका आंसर डी सही होगा, ये घनिष्ठ वर्तनी जो है सही नहीं है, यहाँ पे ठा होना चाहिए, और उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो यहाँ मृत्यु दंड और साथ में सजा दोनों मिला हुआ शब्द है, और ये अशुद्ध माना जाता है, दोषा एक ही अर्थ में दो शब्दों का प्रयोग करना किसी वाक में, और ये सी, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये सी आंसर इसका सही होगा। और नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है, हिंदी को खड़ी बोली को जो है कौरवी के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ये इंग्लिश का सेगमेंट है। फ्रेंड्स, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वाइज, हु किल्ड द स्नेक, और इसका आंसर बी सही होगा, बाय वूम वाज द स्नेक किल्ड, बाय वूम वाज द स्नेक किल्ड, इसका आंसर बी सही होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आई ट्राई टू हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये इसका आंसर बी सही होगा, 22 का। 23 ये पैसेज से रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर, और ये पैसेज दे रखा है। फ्रेंड्स, मैं पैसेज को नहीं पढ़ूंगा, कोई भी मेरा उद्देश्य इस प्रकार का नहीं है कि मैं व्यूज़ बढ़ाऊँ, टाइम व्यूज़ बढ़ाऊँ, आप तक बेस्ट सही तरीके से चीज़ें पहुँचें, मैं ताकि एक दूसरे की हेल्प करके सेल्फ स्टडीज़ को के साथ साथ हम लोग ग्रुप स्टडीज़ को भी प्रमोट कर सकें, ये मेरा उद्देश्य है। द बेस्ट वे टू विन ए फ्रेंड इज टू अवॉइड, इसका एम्बिग्यूटी इन स्पीच, इस तरीके का हमें सेंटेंस में वाक्य नहीं यूज़ करना चाहिए जिससे कि द्विअर्थता या संदेहस्पदता पैदा हो, एम्बिग्यूटी। वाइल टेकिंग टू एन अनएजुकेटेड पर्सन वी शुड यूज पोलाइट लैंग्वेज, फ्रेंड होना चाहिए, इसका आंसर डी होगा, हमें एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए अशिक्षित व्यक्ति से जिससे कि वो प्रभावित भी हो सके और वो समझ भी सके। इफ़ वन यूजेस द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विद एवरी वन, वन हु साउंड फुलिश, इसका आंसर सी सही होगा, 25 का। और स्पीच बिकम्स ए कर्स इफ इट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, 26 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच इज ए गिफ्ट इफ इट कम्युनिकेट्स आवर मीनिंग क्लियरली टू आवर फॉलोअर्स, ये इसका आंसर बी सही होगा। फ्रेंड्स, और नेक्स्ट द फ्रेज फ्रिक विक्ट्री स्टैंड्स फॉर विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट, इसका आंसर जो है सी सही है, 28 का। 29 का जो है विनी रेट का अपोजिट मीनिंग जो है विलोम वो रिस्पेक्ट होगा।
ए आंसर सही है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका आंसर बी, इट शुड बी बी, अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग। एंड नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरस्टैंड प्राउंड, राउंड ये है चूंकि रेन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए ये एडवर्ब होगा। 31 का बी सही होगा, 31वें क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा, बी। नेक्स्ट 32, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और द टीचर सैड बी क्वाइट बॉयज, द टीचर सैड दैट द बॉयज शुड बी क्वाइट, दिस ए वन आंसर सही होगा, ये ए वाला जो है। और नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव, द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही माइट गो आउट, ये आंसर सही होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर 100%, बट 99% इट शुड बी सी। नेक्स्ट 34, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट अवे, टू पार्ट अवे माई बिलोंगिंग्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए आप इसे, और जो मेरा GS का पेपर है उसका भी मैंने आंसर पूरा ऑथेंटिक सभी मैच कर लिए हैं, उसे भी आप शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट अवे फ्रॉम बिलोंगिंग, इस 34 का आंसर सी सही होगा, अवे। और नेक्स्ट 35, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ इरुडाइट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर भी सी सही होगा, अकेडमिक। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब मैं जो हूँ आगे डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशनल स्किल उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे और तर्कानुमा तर्कादोष इससे जुड़े हुए प्रश्नों का अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।